नमस्ते, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। तो अभी मैं मौजूद हूं चिनिया प्रखंड मुख्यालय ब्लॉक परिसर के नज़दीक, और मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यहां पे आज 2 वर्ष पहले जो पूरा खंडहर था भवन के नाम पर एक दो जर्जर भवन हुआ करती थी, लेकिन हमारे गढ़वा रंग का विधानसभा के माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जो हैं कि एक इतिहास रचने का काम किए हैं और ये 30 बेड का जो है कि अस्पताल बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पर कल उद्घाटन भी होने वाला है। यहाँ जो है कि JMM के अधिकारी पदाधिकारी, तमाम अधिकारी पदाधिकारी लगे हुए हैं कल उद्घाटन समारोह में। आइए हम उनसे बात करते हैं। चलिए कैमरा पर्सन आइए। JMM प्रखंड अध्यक्ष हमारे अरविंद यादव जी हैं, तो कल इसका उद्घाटन होने वाला, क्या कहेंगे आप? कल चिनिया प्रखंड को माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है। यहाँ पर चिनिया प्रखंड में हॉस्पिटल नहीं था, माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के सौजन्य से हॉस्पिटल दिया गया और वो आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल आज बनकर कंप्लीट है। एक चिनिया प्रखंड ऐसा कहिए, प्रखंड जिला मुख्यालय से बहुत सटा हुआ, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर पूर्व के जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल 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 सही बात कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि चिनिया जैसे सुदूरवर्ती इलाके में इतना बड़ा काम माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर करेंगे, क्या कहेंगे आप? लेकिन आज उन्होंने चिनिया प्रखंड के लिए इतिहास रचने का कार्य किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिनिया प्रखंड के लिए माननीय मंत्री जी इतिहास रचने के काम किए हैं हॉस्पिटल के क्षेत्र में। यहाँ पर आदमी को जब तबीयत खराब होता था तो लोगों को इलाज कराने के लिए गढ़वा जाना पड़ता था, 25 किलोमीटर जाना पड़ता था। यहाँ पर किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं था, लेकिन माननीय मंत्री जी यहाँ जो हॉस्पिटल बहुत सुंदर खूबसूरत और बहुत अच्छा हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सभी प्रकार के उसमें व्यवस्था है, सभी प्रकार के जांच का व्यवस्था है, डॉक्टर यहाँ बैठेंगे, रात्रि सेवा का भी व्यवस्था है, रात्रि में भी इलाज होगा और यहाँ पर 2 डॉक्टर अभी हैं और नर्स लोग हैं और बाकी माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा और डॉक्टर यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा और सुचारू ढंग से हॉस्पिटल 24 आवर चलेगा। चलिए, थे हमारे झामुमो प्रखंड अध्यक्ष और भी झामुमो के अधिकारी हैं, केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, चिनिया प्रखंड को बहुत बड़ा सौगात मिलने जा रहा है कल? सौगात तो मिल चुका है, क्या कहेंगे? बहुत चरमुख है। ये जो हॉस्पिटल बना है इसको आप रिम्स का तुलना कीजिए, जो रांची में रिम्स है उसका तुलना कीजिए। ये छोटा सा प्रखंड में आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल दे दिए ये मंत्री जी को, चिनिया कितनों बधाई देगा वो कम है, बधाई के पात्र हैं। और कल इसका उद्घाटन भी है और एक संबोधित भी करना है, तो क्या कहेंगे यहाँ के लोगों को, क्या कहेंगे उद्घाटन के माध्यम से, आप क्या कहेंगे यहाँ लोगों को, मतलब क्या बताना चाहेंगे कि उद्घाटन समारोह में आप बुला रहे हैं, नेवता हैं? एकदम नेवता दे रहे हैं पूरे समाज को, पूरे चिनिया वासियों को नेवता इनवाइट कर रहे हैं और साथ में माननीय तो आ ही रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की माँ बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि आप जितने तादाद पे आवें और इनकी स्वागत में इस उद्घाटन में रहें। आपका नाम क्या हुआ? MD फरीद। चलता है कि इतना बड़ा बिल्डिंग बना, बिल्डिंग तो जरूर बना, भवन बना, यहाँ पे अस्पताल मिला, लोगों में खुशी है, लेकिन क्या इस अस्पताल में वो सारी चीज़ सुविधाएँ मिलेगी जो यहाँ के लोगों को चाहिए? पूरे गढ़वा जिला में चिनिया प्रखंड में पूरे व्यवस्था के साथ खुल रहा है और कुछ कमी भी रह गया है तो वो भी पूरा होगा। चलिए, थे फरीद जी और अब हमारे साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता हैं हरिओम जी, इनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, कल पूरा उत्साहित है यहाँ की जनता, कल माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को बधाई देने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए कि चिनिया जैसे सुदूरवर्ती इलाका में इतना बड़ा हॉस्पिटल जो सारी सुविधाओं से लैस है, ऐसे हॉस्पिटल देने का काम किया है, इसके लिए कल पूरे चिनिया प्रखंड की जनता माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को बधाई देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित है। और कल इस आप यहाँ पर देखिएगा कि क्या स्थिति रहेगा, माननीय मंत्री जी का स्वागत कैसे होगा, कैसे लोग बधाई देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जहाँ पानी है वहाँ
लूबी पंप अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सहजना मोड़, गढ़वा। लूबी है जहां, पानी है वहां। घरेलू पंप में सबसे आगे, बिजली की कम खपत, 5-स्टार रेटिंग के साथ। 70 से अधिक देश इस पर भरोसा करते हैं। लूबी पंप्स।